हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे स्टडी। और आज क्लास में हम करने वाले फिर से फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन मैंने बहुत कुछ सिखाया था और आज पार्ट टू कर लेना। और हाँ, इसके पहले जो मैंने इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया था उसमें मैंने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है इनटू का जो था ना वो इरर था, मैंने बाद में उस पर ध्यान नहीं दिया था, उसको देख लेना। वो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट था, इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू का यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर जरा आप लोग देख लेना, ठीक है ना, पिछली जो प्रैक्टिस सेट कराया था। और ये जो फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है। और याद रखना, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर पोजीशन का यूज़ नहीं होता है। अभी यहाँ पे 10 तक कराया था और यहाँ से 11 से स्टार्ट करते हैं। और देखो ये क्या बोल रहा है, कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स। ठीक है, जैसे कि अपने डॉग को आप लोग क्या करते हो, फ्लावर का जो बेड है उसके पास में ले जाकर सुला देते हो या फिर उससे दूर रखते हो। ठीक है, तो कुत्ते को क्या करोगे भाई, फ्लावर बेड से दूर रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, बेड हमारा तो उससे दूर रखेंगे, वही ना बोलेंगे कीप ऑफ। ठीक है, कीप ऑफ, ठीक है, या फिर कीप अवे। इन दोनों का मतलब, एक मिनट, कीप अवे, इन दोनों का मतलब होता है दूर रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या है आपका। कीप अवे का मतलब भी होता है दूर रहो, दूर रखो, ठीक है, परहेज करना किसी चीज़ से। कीप ऑफ का ही मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रखना। ठीक है, तो कुत्ती को क्या करेंगे हम, फ्लावर बेड से दूर रखेंगे ना। चलो अब देखो यहाँ पे, डोंट डिपेंड डैश अदर्स मस्ट स्टैंड ऑन योर फिट। ठीक है, ऑन योर ऑन फिट, ठीक है ना, मतलब ये क्या, डिपेंड का मतलब निर्भर होना। ठीक है ना, किसी दूसरे पर निर्भर मत हो, मस्ट स्टैंड ऑन योर ऑन फिट मतलब अपने आप के पैर पे, उन्होंने बोलते ना कि अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, दूसरे पे डिपेंड मत करो। तो वैसे केस में डिपेंड के साथ क्या लगता है भाई, फिक्स प्रीपोजिशन ऑन। डिपेंड ऑन का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, किसी और पर निर्भर, ठीक है ना, निर्भर होना, इस चीज़ को लिख लेना, डिपेंड ऑन। 10-10 करके आप लोग याद करोगे, याद हो जाएगा, डिपेंड ऑन मतलब निर्भर होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्टैंड ऑन किसी के सहारे, या फिर स्टैंड ऑन का मतलब खड़ा होना, ठीक है, और डिपेंड ऑन का मतलब निर्भर होना। तो वही चीज़ है, इन दोनों का मतलब याद रखना। डिपेंड के साथ जब भी हम लोग बात करेंगे तो ऑन यूज़ करेंगे, और स्टैंड के साथ भी ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलो, लेकिन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे आज, ये तो इजी था। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड विन, नहीं यहाँ पे वेन लिखना, वेन ही वाज 8 years old। ठीक है, यहाँ पे वेन की जगह पे आप लोग विन की जगह पे वेन कर लेना। ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड वेन ही वाज 8 years old। ठीक है, जब वो 8 साल का था तो पूरा उसने क्या घूम लिया था, वर्ल्ड को भ्रमण कर लिया था, यात्रा कर लिया था। तुम लोग क्या बोलते हैं, ऑल के साथ जब ओवर करेंगे तो ये पूरा समस्त चीज़ को क्या करेगा, पूरा, ऑल ओवर का मतलब पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलो इसके साथ जो फिर, जब भी हम पूरा के अर्थ में, पूरा या फिर कंप्लीट के अर्थ में ऑल का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम ऑल ओवर यूज़ करेंगे, ऑल इनसाइड नहीं, ठीक है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो इजी सा था, हम डेली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हमारे पास, देखो, माई फादर लिव्स डैश दिल्ली। ठीक है, ये क्या बोल रहे, दिल्ली में उसके फादर रहते हैं। तो इसके अलावा ऐसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पहला ये, दूसरा ये, माई फादर लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया। अब इसमें कौन सा फिल करें और इसमें कौन सा फिल करें, वैसे में हमें कन्फ्यूज़न होता है, माई फादर लिव्स इन भरें या फिर एट। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि जब भी छोटा जगह का नाम होता है तो हमें एट फिल करते हैं और बड़े जगह के नाम के आगे इन करते हैं, तो वो रूल अब नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, जब भी लास्ट में हमें जगह का नाम, मान लो कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा जगह छोटा है कौन सा बड़ा है, नहीं पता चलेगा। अगर कोई ऐसा नाम लिख दूँ मैं एक्स वाई जेड जिसका आपका नाम सुना ही नहीं है, तो आप पता कैसे करोगे कि वो जगह छोटा है कि बड़ा है, नहीं पता चलेगा। तो इसका एक ही प्रीपोजिशन का तरीका है, वो बचपन में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आओगे तो एक तरीका याद रखना कि लास्ट में जगह छोटा हो या बड़ा हो, लास्ट में सिर्फ एक ही जगह है तो उसके पहले हम इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली के पहले और दिल्ली के बाद, कोई भी जगह का नाम नहीं है तो हमें मतलब नहीं है दिल्ली छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, इसके पहले हम इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि दिल्ली क्या हो भाई, दिल्ली में वो कहाँ रहता है हमें पता नहीं है, वो दिल्ली का पार्टिकुलर बताया नहीं गया है, इसलिए दिल्ली के अंदर वो रहता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखो, माई फादर लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया। अब यहीं पर देखो, दिल्ली के बाद क्या है, इंडिया है, तो यहाँ पे दिल्ली छोटा हो गया। अब यहाँ पे पता चल गया कि इंडिया के अंदर दिल्ली है और दिल्ली के अंदर कोई पार्टिकुलर रहता है, तो इंडिया के तुलना में दिल्ली जो है छोटा हो गया। अब पता चल रहा था दिल्ली छोटा जगह है, तो दिल्ली के पहले हम एट का यूज़ करेंगे अब, और इंडिया के पहले इन का यूज़ करेंगे।
अगर यहीं पे हम डैश 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 करके हम एशिया लिख दें, एशिया, ठीक है, तो फिर इंडिया के पहले भी एट लग जाएगा, इसके पहले भी एट लग जाएगा और एशिया के पहले इन लगेगा। तरीका समझ में आ गया कि लास्ट वाला जो प्लेस का नाम रहेगा उसके पहले इन और बाकी जितना भी उसके आगे है उसके आगे इन, ठीक है। तो आप बोलोगे तो यहाँ पर भी तो जो लास्ट वाला प्लेस है दिल्ली लास्ट है ना, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसके पहले इन का यूज़ होगा। तो ये तरीका आप लोग याद रखना, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रघु इज़ गुड डैश इंग्लिश, रघु जो है इंग्लिश में अच्छा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इन का यूज़ 99% स्टूडेंट कर देंगे जिनको नहीं पता है, कि बोलते हैं ना रघु जो है इंग्लिश में बढ़िया है या फिर रघु का इंग्लिश बढ़िया है, ठीक है। तो लेकिन नहीं, गुड के साथ हमेशा ऐट आता है और हाँ ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, नाम कुछ और था, मैंने नाम चेंज करके क्वेश्चन ऐड कर दिया कि रघु की जगह कुछ और क्वेश्चन था और सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि गुड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन बताओ, तो गुड के साथ 110% ऐट का यूज़ करना एग्ज़ाम में भी, गुड ऐट, ठीक है। कभी भी आए तो आप एग्ज़ाम में करना गुड ऐट का ही, आँख बंद करके एग्ज़ाम में सही होगा, ठीक है। गुड ऐट का मतलब किसी चीज़ में वो पार्टिकुलर चीज़ में अच्छा होना, गुड ऐट का यूज़ करेंगे। जब भी गुड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करने का मौका मिले तो ऐट का करना, ऐट का करना, ऐट। नेक्स्ट हमारे पास सीता डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट डैश हर हस्बैंड, यहाँ पर क्या डिस्क्लोज मतलब किसी के सामने बता देना, ठीक है, राज को खोल देना, और फैक्ट मतलब सच्चाई। सीता ने क्या किया, नहीं बताया क्या सच्चाई को अपने हस्बैंड के सामने नहीं बताया, ठीक है। जैसे मैं बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू राम, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू राम, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं राम के पास जा रहा हूँ। यहाँ पे पास का मतलब नियर तो मैंने लिखा नहीं है, नियर का मतलब होता है पास, फिर भी पता चल रहा है मैं पास चल जा रहा हूँ राम के पास, कैसे, बिकॉज यहाँ पे टू है, टू का मतलब पास, टू का मतलब पास के अर्थ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है, यहाँ पे ये मत लिख देना कि बिफोर मतलब पहले होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले फैक्ट बिफोर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सामने या फिर हस्बैंड के पहले नहीं बताया, नहीं तो यहाँ पे हस्बैंड के पास उसने क्या किया भाई, डिस्क्लोज नहीं किया सच्चाई को, तो इसीलिए हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे 110%, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। अभी यहाँ पे द स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड, स्ट्राइक में झगड़ा वगड़ा होता है, स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड, ठीक है, झगड़ा कहा गया, कॉल तो वही है ना, कॉल मतलब कहना बोलना पुकारना, तो कॉल का पास्ट फॉर्म है कॉल्ड, ठीक है। तो झगड़ा को क्या किया गया, तो यहाँ पे सेंटेंस से ऐसे पता नहीं चलेगा अगर हम कॉल यूज़ करके बनाए तो, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब होता है, क्या, कॉल के साथ देखो क्या क्या यूज़ होता है, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कॉल आउट, ये तीनों चीज़ यूज होता है। कॉल ऑफ का मतलब बंद करना, तो यहाँ पे, ठीक है, कॉल ऑन का मतलब बुलाना, कॉल आउट का मतलब बुलाना, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, झगड़ा को कोई बुलाएगा तो नहीं, झगड़ा बंद हुआ होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, तो कॉल्ड ऑफ का यूज़ होगा। अब लेकिन रुको, यहाँ पे कॉल ऑन का भी मतलब होता है बुलाना, कॉल आउट का भी मतलब होता है बुलाना, तो इनका यूज़ जो है दोनों अलग अलग है, तो पता कैसे चलेगा। कॉल ऑन का मतलब क्या हुआ भाई, जब किसी को डांटने उठने के अर्थ में होता है ना, कॉल ऑन किसी को डांट देना, डांट कर बुलाना। कॉल आउट का मतलब किसी से मदद के लिए मांगना, ठीक है, मदद के लिए बुलाना। तो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया, कॉल का पास्ट है कॉल्ड, मतलब बंद कर देना, ठीक है। तो वही झगड़ा बंद करने के अर्थ में कॉल्ड ऑफ का यूज़ होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है, ओ डबल एफ, ओ एफ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास वी लाफ डैश जोकर, किसी व्यक्ति के ऊपर हंसना, लाफ एट, ठीक है, ये लाफ का पास्ट फॉर्म है, एल ए यू जी एच, लाफ मतलब हंसना, ठीक है, लाफ के साथ एट का यूज़ होता है हमेशा। लाफ के साथ कहीं कहीं आपको ओवर का यूज़ मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो फिर भी मैं बता दूँ कि लाफ ओवर का यूज़ कब करते हैं, जब किसी इवेंट के ऊपर हमें हंसी आ रही, जैसे किसी अफेयर के ऊपर हम हंस रहे हैं तो लाफ ओवर द इवेंट, ठीक है, वैसे ही। लेकिन यहाँ पे हम किसी व्यक्ति के ऊपर हंसते हैं तो लाफ एट, जोकर भी एक व्यक्ति है, ठीक है, तो एट का यूज़ हो जाएगा। पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी, कल मैंने बताया था आपको, जब हम नदी के इस पार से उस पार पुल बना रहे होते हैं, ब्रिज बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, नीचे नदी है ऊपर पुल, तो ऐसे क्या फीलिंग हो रहा है, नदी को पूरा कवर कर लिया इस पार से उस पार, ठीक है, तो हम लोग ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही जब बच्चा सोया हुआ है यहाँ पे तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डालेंगे तो ऊपर से मतलब पूरा का पूरा ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, तो जब भी कवर करने के अर्थ में हम बात करेंगे तो ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन नदी को हम पार करने के अर्थ में करेंगे तो एक्रॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है, लिख लेना जो भी है, एक्रॉस। लेकिन कवर कर रहे हैं किसी चीज़ से
जैसे पुल से ही नदी को हम कवर कर रहे हैं ना कि इस पार से उस पार जाने के लिए, तो नदी को कवर करके ही जा रहा है ऊपर ऊपर, ब्लैंकेट डाल रहे हो बीबी के ऊपर, तो वो भी क्या कर रहा है, उसको कवर कर दे रहा है, तो वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी रखते हैं, 10 आज के लिए, 10 कल का टोटल मिला के हमारे पास हो गया 20। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं कल फिर से 10 प्रीपोजिशन के साथ, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ रीजनिंग की मैं प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो दो चैप्टर छूटा हुआ है मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स जैसी बनती है आपके एग्जाम के 4-5 दिन पहले तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो गुड बाय।